फ्रेंड्स, तो देखिए आज हमने बनाया है ब्रेड का बहुत ही अच्छा सा नाश्ता बच्चों के लिए। तो बच्चों को ये बहुत पसंद आता है क्योंकि नीचे वाला जो ब्रेड है हमारा, उसकी जो नीचे की लेयर है वो एकदम क्रिस्पी है, ऊपर एकदम चीज़ी है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने ना येलो और ग्रीन कैप्सिकम लिया है, ओनियन लिया है, कैबेज है और टोमेटो है जिसका सीड हमने निकाल लिया है, सबको बारीक चॉप कर लिया है। अब इनको सबको ना एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे सारी वेजिटेबल्स को। बच्चों को बहुत पसंद आता है ये क्योंकि इसमें चीज़ भी होता है और अच्छा भी है। वेजिटेबल सारे डल रहे हैं ना, तो बच्चों के लिए अच्छा है। वैसे तो कहाँ ही बच्चे खाते हैं। तो बस इसमें हमने देखे सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं। उसके बाद एक बड़ा चम्मच हमने इसमें मेयोनीज डाल दिया है और इसमें इसके बाद हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे। थोड़ा सा हम सब्जियों के हिसाब से नमक डाल देंगे। बहुत फटाफट बन जाता है, बिल्कुल भी कुछ भी इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ें तो हमारे फ्रिज में होती ही हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए हमारा अच्छा सा जो है मिक्सचर ये तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे साइड में रख देते हैं और उसके बाद हम दो स्लाइसेस लेंगे ब्रेड की। तो ब्रेड के हमने दो स्लाइस ले लिए। इसको हमको राउंड शेप में कट करना है, तो थोड़ी ऐसी साइज़ की मैंने कटोरी ली है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रेड है वो कवर हो जाए। तो बस इसको इस तरह के से प्रेस किया तो हमारा जो ब्रेड है वो कट जाएगा। तो ये देखिए हमारा ब्रेड जो है वो हो चुका है, कट गया है राउंड शेप में। तो ठीक ऐसे ही हमको जो दूसरी वाली ब्रेड है वो भी काट लेनी है राउंड शेप में। तो इसको भी इस तरीके से दबा के थोड़ा सा प्रेस कीजिए तो बस हमारी जो कटिंग है वो निकल आएगी। अब दूसरी वाली जो ब्रेड है ना, हमको एक्चुअली उसका रिंग निकालना है। तो पहले हमने बड़ा वाला साइज़ ले लिया और उसके बाद बीच में हमने ग्लास से उसको कट कर लिया। तो अब हमको जो इसकी ब्रेड की रिंग है वो मिल जाएगी। तो बस हमको ये मिल चुका है। अब हमें ना इन्हें सेकना है। तो हम एक पैन ले लेंगे और उस पर थोड़ा सा हम बटर लगा देंगे। तो बटर लगाने के बाद हम इसको सेकेंगे। हमें ना दोनों साइड से इसे नहीं सेकना है। अभी हमें ना दोनों रिंग को और इसको ब्रेड जो है, तो इसको हमको सिर्फ एक ही साइड सबको इसको सेकना है, दूसरे साइड हमें इसे नहीं सेकना है। तो देखिए पूरे अच्छे से हमने घुमा लिया है बटर में और बटर भी इसमें लग गया है और ये थोड़ा सा सिक भी गया है। तो अब इसको निकाल लेते हैं और थोड़ा सा बटर और डालेंगे और जो हमारी रिंग है ब्रेड की तो वो हम इसमें डाल के एक साइड से सेक लेंगे। तो देखिए हम थोड़ा सा बटर और डाल रहे हैं, उसके बाद हम रिंग डाल देंगे। तो बस इस तरीके से यहाँ पे घुमाते हुए बटर जो है सारा रिंग में लगा के और उसको थोड़ा सा सेक लेंगे। तो ये हमारी रिंग भी तैयार हो चुकी है, तो इसे भी निकाल लेते हैं हम। तो इसको निकाल लेंगे और फिर इसी पैन में हम थोड़ा बटर और डालेंगे। तो अब इस समय क्या है ना कि हमें जो गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल जो लो फ्लेम है ना उस पर रखना है, बिल्कुल लो कर दीजिए। और जिस साइड से हमने ब्रेड सेकी है वो साइड ऊपर रहेगी और जिस साइड नहीं सिका है वो नीचे रहेगा। अब इसके ऊपर रिंग लगा दी है हमने। अब बीच में हमने जो अपना ये वेजिटेबल का जो मिक्सचर बनाया है ना वो लगाएंगे। तो वो रख दीजिए इसके ऊपर। तो अब गैस की फ्लेम एकदम धीरे रहेगी जिससे हमारा जो ब्रेड है ना नीचे से धीरे धीरे सिके, जले नहीं और एकदम क्रिस्पी हो जाए। तो हमने पहले देखिए पूरा इस पर डाल दिया है बीच में और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ डाल देंगे। तो चीज़ तो जितनी मर्ज़ी है आप उतनी डाल दीजिए, बच्चों को जितना पसंद हो। उसके बाद हम इसमें ऊपर से थोड़ा चिली फ्लेक्स और डाल देंगे। अब इसके बाद हम जो है ना गैस की फ्लेम एक बार और चेक कर लीजिए, एकदम स्लो कर दीजिए, फिर इसे लिड लगा दीजिए। ढक्कन लगा के हमें इसे तब तक के लिए कुक करना है जब तक कि हमारी चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती। तो चीज़ मेल्ट होने तक हमें इसे पकाना है। तो अब चेक कर लेते हैं। तो देखिए चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और हमारी ब्रेड जो है वो नीचे से बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छी है। जब इसे खाएंगे तो नीचे की जो लेयर है वो करारी लगेगी, ऊपर चीज़ी होगा, क्रीमी होगा। तो बहुत मज़ेदार है ये नाश्ता। तो देखिए हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है, तो देखने में भी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यम्मी लग रहा है। तो अगर आप लोग को रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।